बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फारूक रज़ा। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट टाइम हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिस्कस किया था। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली है क्या? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की वो एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात उसको बताती है। अब बेसिकली जो बॉन्ड होता है वो या तो दो सिमिलर एटम के दरमियान होता है या दो डिससिमिलर एटम के दरमियान। अगर सिमिलर एटम के दरमियान है, जैसे एच और एच के दरमियान है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जितना दूर इससे है उतना ही दूर इससे होगा, ये इक्वली जो है वो शेयर्ड पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब हम डिसिमिलर की बात करते हैं, एच और जैसे एफ की बात कर लें, तो एच एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली शेयर्ड पेयर नहीं होते हैं, वो किसी एक एटम के गिर्द जो है ज्यादा करीब होते हैं और एक से दूर होते हैं। उसकी जो मेन वजह है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब होता क्या है, इन दोनों में से एक ऐसा एटम होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या करता है, दूसरे जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे दूर या चला गया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियाई ने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इससे इस पर पोल्स आ गए, इस पर नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल हो जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो है कंसेप्ट है। अगर मेजरमेंट की बात करें तो पॉलिंग जो है, ये हम बात करते हैं, पॉलिंग ने हार पास इसको मेजरमेंट को देखा, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी उसने कैलकुलेट की और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है निकाली। फ्लोरीन एक आर्बिटेरी स्केल के मुताबिक इसकी वैल्यू जो है वो 4 कंसीडर की गई, और जो कि सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्रायोरिटी टेबल के अंदर। फ्लोरीन एक जो है वो सबसे ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू है किसमें, प्रायोरिटी टेबल के अंदर। अगर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड अगर हम ग्रुप में देखें, सबसे पहले अगर हम इसमें बुक में सिंपली ये बता दिया गया है ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो अब इसमें वजह क्या है? अब देखें हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से हमारे पास उसकी वजह बनती है वो शेल होते हैं, शेल इंक्रीज होता है, शेल से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है हमारे पास जो पुल ऑफ न्यूक्लियस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो रही है, पुल ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब याद रखें न्यूक्लियस के पास पहले ही फोर्स कम है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगा सके, इसका मतलब यह है ये आने वाले जो बाहर वाला जो दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अपनी फोर्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है वो कम कर रही है, इस वजह से हमारे पास क्या होती है इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि इसकी हमारे पास लो हो जाती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, हम बात कर रहे हैं कि वो क्या है, उसमें न्यूक्लियस की फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो रही है और उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, अगर इसी तरीके से अगर हम पीरियड्स की बात करें, इसमें पीरियड्स में हमारे पास लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें, लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से हम बात करते हैं कि प्रोटॉन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज जो है
उसमें इंक्रीज आता है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है इससे पुल ऑफ न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ऑन पुल ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाती है। अब यह रखें इसमें हमारे पास न्यूक्लियस के पास फोर्स ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि इसकी पुल इंक्रीज है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। अब अगर हम बात करें कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होती है, हाई होती है। उसकी मेन वजह क्या है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत उनमें ज्यादा होती है। अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इससे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत की मेन वजह क्या है, एटॉमिक साइज जो है वो उनका स्मॉल होता है, एटॉमिक साइज स्मॉल होता है तो न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा रहती है, इस वजह से वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स जो है उनके साइज जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। अब साइज जब इंक्रीज हुआ इससे मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के पास शेल जो है वो काफ़ी इंक्रीज है। अब इससे ये होता है कि न्यूक्लियस की फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, अब तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत इनमें नहीं है, इस बहुत कम है, तो हम इसके लिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो मेटल की क्या होती है, वो लो होती है। अच्छा अब याद रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमें बॉन्ड नेचर के बारे में बताती है। अब बॉन्ड नेचर के बारे में कैसे बताती है, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो से हमारे पास 0.5 तक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहां है, जीरो से 0.5, तो वो बॉन्ड जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो होगा। अगर उसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 से 1.6 है तो इसका मतलब वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर इस रेंज में आता है 0.5 से 1.6 तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 आ रहा है तो अब उसकी जो बॉन्ड नेचर है वो इक्वली होगी, इक्वली ही वो कोवलेंट होगा और हमारे पास इक्वली जो है वो हमारे पास नॉन पोलर होगा। तो अब याद रखें इसमें इक्वली कोवलेंट और इक्वली आयनिक के चांसेस होते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो, अब याद रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है तो वो बॉन्ड जो है वो आयनिक इन नेचर होगा। तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से आपको बॉन्ड नेचर के बारे में भी जो है वो डिस्कस करती है कि अगर इस रेंजेस को हम नोट कर लेते हैं, इन रेंज को याद करते हुए हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस रेंज में आ रहा है, तो आप इसको पता लगा सकते हैं कि आया कि कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर है, कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा आयनिक बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हुई, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो सकती है आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।